गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली दो क्लासेस में हम साइटोस्केलेटन के बारे में बात कर चुके हैं। हमें ये भी पता है कि जो साइटोस्केलेटन है उसमें जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड करे जा सकते हैं मोटे तौर पर। माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, उसी कंटिन्यूएशन में आज हम बात करने वाले हैं साइटोस्केलेटन के थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट होता है साइटोस्केलेटन का। माइक्रोट्यूब्यूल्स को सबसे पहले डी रॉबर्टीज ने डिस्कवर किया था, उनके साथ जो कोवर्कर थे वो थे फ्रेंकाई। 1953 की ये बात है। साइटोस्केलेटन एलिमेंट को उन्होंने, जब वो एक्सोप्लाज्म नर्व सेल का होता है उसको स्टडी कर रहे थे, तब इसको देखा पहली बार और इसको नाम दिया गया न्यूरोट्यूब्यूल्स। बाद में प्लांट सेल में भी इसको डिस्कवर किया गया लेडबेटर और पर्टर के द्वारा 1963 के बाद। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ स्टडी इसकी सेबेटनी एटल ने की थी और 1963 में जो माइक्रोट्यूब्यूल नाम आज हम प्रचलन में है और आज हम जिस नाम से इसको जानते हैं वो दिया गया स्लॉटर एंड बैक 1963 में ये इन्होंने नाम दिया था। माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर बात की जाए तो कोशिका में दो तरीके के माइक्रोट्यूब्यूल पॉपुलेशन पाई जाती हैं। पहली जो कैटेगरी होती है उसमें स्थाई और ज़्यादा जीवन काल वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी देर तक सेल में ये प्रेजेंट रहते हैं। और कुछ होते हैं शॉर्ट लिव्ड माइक्रोट्यूब्यूल जो कि अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल और लॉन्ग लिव्ड यानी जो स्थाई माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि ऐसी कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो स्वगुणित नहीं होती, नॉन रेप्लिकेटिंग होती हैं, जैसे कि सीलिया है, फ्लैजिला है, नर्व सेल का एग्जॉन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, सेंट्रियोल्स है, बेसल बॉडीज़ है। इन सब में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं वो सब स्टेबल और लॉन्ग लिव्ड टाइप के होते हैं। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो बहुत सारे सेल फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर और सेल डिवीजन है, कोशिका का इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इसी तरीके से सीलियरी और फ्लैजिलरी मूवमेंट होता है। तो जो स्टेबल और लॉन्ग लिव्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके एग्जाम्पल अपन बात कर चुके हैं। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है अनस्टेबल और शॉर्ट लिव्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ये कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो कि बार बार असेंबल और डिसअसेंबल होती हैं उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, जैसे कि स्पिंडल फाइबर है, एस्टर्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या संगठनात्मक संरचनात्मक संगठन की बात की जाए तो ये दो तरीके के प्रोटीन अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन हेटरोडाइमर्स के बने हुए होते हैं। ये जो डाइमर्स होते हैं वो पॉलीमराइज होते हैं, बहुलीकृत होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण करते हैं। हर माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं और ये जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं वो असेंबल होके एक साथ मिलके एक होलो कोर के चारों तरफ इकट्ठे होके माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल की जो एक्सेस होती है उसके अलॉन्ग ट्यूब्यूलिन हेटरोडाइमर्स एक एंड से दूसरे एंड तक जॉइन होके प्रोटोफिलामेंट्स का निर्माण करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो असेंबली है उसको हम तीन पायदानों में या थ्री स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पायदान होता है, पहला जो स्टेप होता है माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन का, वो होता है अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन यूनिट्स जो होती हैं वो असेंबल हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और एक प्रोटोफिलामेंट का निर्माण करती हैं। ये जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं वो आपस में मिलकर वॉल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण करते हैं और
थर्ड एंड फाइनल स्टेप जो होती है उसमें और अधिक सब यूनिट्स जुड़ती हैं प्रोटोफिलामेंट से, और ये जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा माइक्रोट्यूब्यूल का इलोंगेशन या जो चेन बड़ी होने की कार्य होता है वो संपादित होता है। इस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया है उसमें न्यूक्लिएशन का क्रिटिकल स्टेप होता है। न्यूक्लिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई। सबसे पहले ट्यूब्यूलिन डाइमर्स का एग्रीगेशन और उसके द्वारा फिर नए माइक्रोट्यूब्यूल बन सकते हैं इलोंगेशन प्रोसेस के द्वारा। ये माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। ये आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन है इसका। इधर इसके जो दोनों प्रकार के प्रोटीन हैं अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन, और ये एक ट्यूब्यूलिन डाइमर का निर्माण हो चुका है। तो इस तरीके से एक हॉलो रॉड के चारों तरफ अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन जो होती है वो असेंबल हो के माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण करती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स पोलर स्ट्रक्चर्स हैं। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों ही पोलर स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो पोलरिटी है उसको साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक होता है इसका प्लस एंड जो कि ग्रोइंग एंड होता है जहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल इलोंगेट होता है, और माइनस या स्लो ग्रोइंग एंड होता है वो होता है उसका ऑपोजिट एंड। डिपेंड जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के प्रेजेंस, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर असेंबली और डिसअसेंबली हो के और ये दोनों एंड्स का निर्माण हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है ट्रेडमिलिंग। ट्रेडमिलिंग प्रारंभ कब होती है? जब एक ट्यूब्यूलिन सब यूनिट प्लस एंड पे जाकर जुड़ती है और प्रोग्रेसिवली माइक्रोट्यूब्यूल के अलॉन्ग बढ़ती जा रही है, और लास्ट में जो माइनस एंड होता है या ऑपोजिट एंड होता है वहाँ पर डीपोलराइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा इवेंचुअली लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। साइटोस्केलेटन के जो टाइप्स अब तक हमने पढ़े हैं उसका एक समरी चार्ट बनाया हुआ है अपन ने, उसको एक बार दोहरा लेते हैं कि जो साइटोस्केलेटन के टाइप्स होते हैं उसमें माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। डायमीटर माइक्रोफिलामेंट्स का सबसे कम होता है 6 नैनोमीटर। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स माइक्रोफिलामेंट्स से बड़े फिलामेंट्स होते हैं, 10 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स सबसे बड़े साइटोस्केलेटन कॉम्पोनेंट हैं जिसका डायमीटर होता है 23 नैनोमीटर। माइक्रोफिलामेंट्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देती है जिसके कि सब यूनिट्स हैं एक्टिन। इसी तरीके से जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं उसमें दो एंटी पैरेलल हेलिकल डायमर्स एक टेट्रामर का निर्माण करके इसको निर्मित करते हैं। और इसके सब यूनिट के एग्जाम्पल्स हम बात कर चुके हैं, विमेंटिन हो सकता है, ग्लियल फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन हो सकते हैं, न्यूरोफिलामेंट्स हो सकते हैं, एसिडिक और बेसिक कैरेटिन्स हो सकते हैं और न्यूक्लियर लैमिन्स हो सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं उसके सब यूनिट्स होती हैं अभी जो हमने बात करी थी अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, और ये प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं जो कि ट्यूब्यूलिन सब यूनिट से बने हुए रहते हैं। और इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो अदर प्रोटीन्स के साथ मिलके माइक्रोट्यूब्यूल्स की पूरी संरचना का। साइटोस्केलेटन का अगर फंक्शन की बात की जाए तो सबसे जो प्राइमरी या प्राथमिक उसका कार्य होता है वो होता है सेल या कोशिका को शेप और मैकेनिकल रेजिस्टेंस प्रदान करना डिफॉर्मेशन या विरूपता के अगेंस्ट। साइटोस्केलेटन जो सेल कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी होती है उसको भी प्रदान करता है, और जब सेल का जो एनवायरनमेंट है और उसके बाहर उसको माइग्रेट करने में मदद कर देता है। बहुत सारी सेल सिग्नलिंग जो पाथवेज होते हैं वहाँ पर भी साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व होता है।
एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल्स को अगर अपटेक करना होता है एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा, तो भी साइटोस्केलेटन हेल्प करता है। क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन होता है सेलुलर डिवीजन के दौरान, साइटोकाइनेसिस जो स्टेज होती है सेल डिवीजन की, वहाँ पर भी इन साइटोस्केलेटन कंपोनेंट्स को का इन्वॉल्वमेंट देखा जा सकता है। ये जो साइटोस्केलेटन कंपोनेंट्स हैं वो कहीं कहीं कोशिकाओं में स्पेशलाइज्ड या विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं का विनिर्माण करते हैं, जैसे कि सीलिया है, फ्लैजिला है, लैमेलिपोडा है, पोडोसोम्स हैं, जो कि लोकोमोशन में या सेल मोटिलिटी में मदद करते हैं, मोबिलिटी में मदद करते हैं। स्ट्रक्चर, फंक्शन और डायनेमिक बिहेवियर जो साइटोस्केलेटन का होता है वो अलग अलग के तरीके के ऑर्गेनिज्म और अलग अलग कोशिका के प्रकार के आधार पर अलग अलग तरीके का हो सकता है। एक ही कोशिका में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जो साइटोस्केलेटन है वो दूसरे प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट हो के, और जो साइटो सेल की प्रीवियस हिस्ट्री होती है नेटवर्क का निर्माण करता है। तो इस तरीके से जो साइटोस्केलेटन है वो बहुत सारे सेल फंक्शंस को संपादित करता है।